नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर फिल्म सर्विसेज में। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देख लेते हैं 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में। इनको अनाउंस कर दिया गया 13 अप्रैल 2018 को। ऑफिशियल सेरेमनी होगी दोस्तों 3 मई को। उससे पहले ये लिस्ट देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये, और इस लिस्ट से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक से बेसिकली काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स में। जैसे एसएससी एग्जाम्स का ये फेवरेट टॉपिक होता है। अभी सीपीओ का एग्जाम आने वाला है, उसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं इस टॉपिक से जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और जितने भी रेलवे के एग्जाम्स आगे लगे हुए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी को ये देखना ज़रूरी है। तो जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से, उस लिहाज से इसको डिस्कस करेंगे। जो डिटेल्स हमसे नहीं पूछी जाती है नहीं डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ पर अवार्ड जो होता है बेस्ट फीचर फिल्म का होता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता है। तो इसी को देख लेते हैं दोस्तों। बेस्ट फीचर फिल्म रही 2017 की विलेज रॉकस्टार्स, और ये आसामी भाषा की फिल्म है। खाली दो चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, विलेज रॉकस्टार्स और इसकी भाषा आसामी है। हिंदी फीचर फिल्म ये नहीं रही, और पिछली बार भी दोस्तों हिंदी में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड नहीं गया था। पिछली बार गया था कासो फिल्म को, जो कि मराठी में थी। इस बार भी दोस्तों किसी हिंदी फिल्म ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड नहीं जीता, एक आसामी फिल्म ने जीता जिसका नाम है विलेज रॉकस्टार्स। इंदिरा गांधी का अवार्ड एक डायरेक्टर को गया बेस्ट डेब्यू फिल्म के लिए, सिंजर फिल्म को, और इसकी लैंग्वेज है दोस्तों जासरी। और जासरी भाषा दोस्तों हमारे 8th शेड्यूल की लैंग्वेज नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बेस्ट पॉपुलर फिल्म जिसने होलसम इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाया वो रही दोस्तों बाहुबली द कंक्लूजन, तेलुगु फिल्म, और बल्कि इसका हिंदी वर्जन भी आया था बट इसकी ओरिजिनल जो है वो तेलुगु ही मानेंगे लैंग्वेज। इसको मिला दोस्तों, नो डाउट इसी को मिलना था। सबसे पॉपुलर फिल्म की अगर बात कर लें तो यही रही। नरगिस दत्त का अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म को, जो नेशनल इंटीग्रेशन के मुद्दे पर बनी थी, ये गई दोस्तों धप्पा को, और इसकी लैंग्वेज ध्यान रखेंगे दोस्तों मराठी। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशूज़ ये रही आलोरुक्कम, या फिर जैसे भी इसको प्रोनाउंस करेंगे, ये मलयालम की फिल्म है, और ये रही दोस्तों बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशूज़। आगे देखेंगे यहाँ पर बेस्ट फिल्म जो रही इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के मुद्दे पर और प्रिजर्वेशन के मुद्दे पर कौन रही, इरादा फिल्म, और ये हिंदी की फिल्म है, इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है हमसे। बेस्ट बाल फिल्म या फिर कह सकते हैं चिल्ड्रेंस फिल्म कौन सी रही, मोरक्या रही, और ये भी दोस्तों मराठी की। इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम जनरली नहीं पूछा जाता है, अगर बहुत किस्मत ख़राब रही आपके एग्जाम में तो पूछ सकते हैं, वरना नहीं पूछा जाता है। नंबर 8th में दोस्तों यहाँ पर बेस्ट डायरेक्शन यानी कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशन वाली फिल्म का अवार्ड गया भयानकम को, और इसकी लैंग्वेज है दोस्तों मलयालम। नंबर 9th और नंबर 10th काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस आपको पता होना चाहिए किसी भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। तो इस वर्ष के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया रिद्धि सेन को, नगर कीर्तन इनकी फिल्म, और जो कि है बंगाली भाषा में। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गया श्रीदेवी को इनकी फिल्म मॉम के लिए, जो कि है हिंदी भाषा की। आगे बढ़ जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बचे हुए उनको देख लेते हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फहाद फाजिल, और इनकी फिल्म दी हुई है मलयालम भाषा की। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस दिव्या दत्ता, इरादा फिल्म, और इरादा वही फिल्म है दोस्तों जिसको क्या मिला इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की कैटेगरी में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड गया इसी वर्ष। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट हैं भानिता दास, और सिंगर वगैरह से अवार्ड नहीं पूछे जाते हैं। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी आप लोग देख लेना भयानकम फिल्म को, और बेस्ट स्क्रीन प्ले इसको भी देख लेना आप लोग। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, इससे भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ना साउंड डिज़ाइनर वगैरह से, ना लोकेशन वाले से, ना डायलॉग वाले से। अवार्ड नंबर 25 और 26 इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, प्रोड्यूसर सानी घोष रे को और डायरेक्टर कौशिक गांगुली को स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया, और यहाँ पर बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स के लिए बाहुबली 2 को नो डाउट दिया गया, और इसमें इनको रजत कमल और 50,000 रुपये दिए जाएंगे, ये अमाउंट वगैरह ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है। बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड जाएगा गणेश आचार्य को गोरी तू लठ मार गाने के लिए, जो कि था टॉयलेट एक प्रेम कथा में। बेस्ट एक्शन डायरेक्टर का अवार्ड जाएगा बाहुबली 2 के एक्शन डायरेक्टर को, और स्पेशल मेंशन मिला दोस्तों पंकज त्रिपाठी को न्यूटन फिल्म के लिए। स्पेशल मेंशन मिला दोस्तों पार्वती को टेक ऑफ के लिए, और स्पेशल मेंशन मिला इन दोनों को मौरक्या के लिए मिला दोस्तों यशराज कारहडे को, और प्रकृति मिश्रा को मिला हेलो आरसी के लिए, जो कि है एक ओडिया भाषा की फिल्म। अब देख ले दोस्तों रीजनल लैंग्वेजेस की फिल्म जिनका 8th शेड्यूल में मेंशन किया गया है कौन कौन सी। आसामी फिल्म के लिए दोस्तों इशू को जाएगा, बंगाली फिल्म के लिए दोस्तों मयूराक्षी को जाएगा,
और हिंदी फिल्म काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हिंदी फिल्म से क्वेश्चन पूछते हैं कि बेस्ट हिंदी की फिल्म कौन रही। फीचर फिल्म अगर नहीं भी पूछेंगे तो हिंदी वाली पूछ सकते हैं, तो नो डाउट रहेगी न्यूटन। और ये शॉर्टलिस्ट भी हुई थी ऑस्कर के लिए, फाइनल तक नहीं पहुंच पाई अनफॉर्चुनेटली। इसके डायरेक्टर दोस्तों अमित वी मसूरकर और प्रोड्यूसर मनीष मुंद्रा। आगे दोस्तों जाएंगे, बेस्ट कन्नड़ की फिल्म ये रही, बहुत ज़्यादा इसका डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन, मलयालम वाले का भी नहीं डिस्कस करेंगे, आप लोग देख लेना इसको एक बार। बेस्ट मराठी फिल्म कच्चा लिंबू, बेस्ट ओडिया फिल्म हेलो आरसी, और बेस्ट तमिल फिल्म टू लेट। बेस्ट तेलुगु फिल्म दोस्तों गाजी अटैक। बेस्ट गुजराती फिल्म ये है DHH, पता नहीं इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे। और बेस्ट तुलु फिल्म दोस्तों, यानी कि अब एक दो फिल्म ऐसी भी हैं जिसमें उन भाषाओं को भी अवार्ड दिया गया है जिनका मेंशन नहीं किया गया है 8th शेड्यूल में, वो कौन कौन सी हैं दोस्तों? तुलु के लिए, तुलु भाषा के लिए, जासरी भाषा के लिए, सिंजर को, और जिसके लिए दोस्तों इनके डायरेक्टर ने क्या जीता था अभी मैं पीछे बता चुका हूँ, इंदिरा गांधी का अवार्ड जीता था बेस्ट डेब्यू फिल्म के लिए एक डायरेक्टर को। और लद्दाखी भाषा में बेस्ट फिल्म वॉकिंग विद द विंड के लिए प्रोड्यूसर ये हैं, डायरेक्टर ये हैं। अब नॉन फीचर फिल्म पर आ जाएंगे दोस्तों। बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर वाटर बेबी के लिए, यानी कि एक डायरेक्टर को उनकी सबसे पहली फिल्म के लिए अवार्ड मिला, और ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशूज़ के लिए कौन है? आई एम बॉनी एंड विल डॉन, ये फिल्म है, इसको आप लोग देख लेना, ये वाली अवार्ड नंबर 7th। बेस्ट एजुकेशनल फिल्म द लिटिल गर्ल वी वर एंड द वुमेन वी आर। बेस्ट एनिमेशन फिल्म ये रही दोस्तों, और स्पेशल जूरी अवार्ड गया अ वेरी ओल्ड मैन विद इनॉर्मस विंग्स और मंडे फिल्म को। ये दोनों अपने अवार्ड शेयर करेंगे, जिन लोगों को एक ही कैटेगरी में दो अवार्ड मिला है वो अपने अवार्ड्स की राशि वगैरह भी शेयर करेंगे। बेस्ट शॉर्ट फिल्म फिक्शन की कैटेगरी में मैयत फिल्म को मिला, और बेस्ट फिल्म फैमिली वैल्यूज़ में हैप्पी बर्थडे को, बेस्ट डायरेक्शन पावाशा निबंध को। बेस्ट म्यूजिक वगैरह नहीं पूछते हैं हमसे, आगे बढ़ जाएंगे। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी, अवार्ड्स ऑन ऑनर्स के अलावा बुक्स एंड ऑथर से अगर क्वेश्चन बनता है तो ये पूछ सकते हैं। तो मत मांगी मणिपुर द फर्स्ट मणिपुरी फीचर फिल्म, इस वाली बुक के ऑथर जो हैं उन्हें अवार्ड मिलेगा बॉबी वहंगम को, और ये आपको ध्यान रखना यहाँ पर ज़रूरी है। बेस्ट क्रिटिक का अवार्ड भी पूछ सकते हैं कभी कभी, तो मिस्टर गिरधर झा को मिला, और गिरधर झा को क्या मिलेगा ये ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है, क्रिटिक का नाम ध्यान रखना ज़रूरी है, गिरधर झा। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा रही दोस्तों ये वाली बुक, और इनके लेखक रहे ये वाले। तो ये रही पूरी समरी, इसके अलावा आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। आपके एग्जाम्स में जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं वो वीडियो में दिखा दी गई हैं। हम लोग दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को टैप करें, और पाएं हमारे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री।